जयपुर और दिल्ली के बीच में ये फॉरेस्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा सिंक ऑफ वाटर हैबिटेट फ्रैक्चर टाइगर रिजर्व है ये पूरी तरीके से। जब वहाँ कार्निवोर तो अपने आप इनकी पॉपुलेशन बिल्कुल भागती रहेगी। हमेशा डंडा लेके फॉरेस्ट वाला हर जगह नहीं खड़ा हो सकता, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। This green patch that you're seeing, this huge green patch, this is Sariska Tiger Reserve. Okay. ठीक है? You can relate the shape of it. Right. This one. ठीक है? और ये दिल्ली है. ये जो बड़ा सा human habitation दिख रहा है, ये दिल्ली है. So from this और अच्छा ये दिल्ली है और ये जयपुर है. This one. Okay. This is Jaipur. This is Delhi. बीच में पड़ गया. यहाँ से यहाँ के बीच में. There are several research papers that say कि world का सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन इन दो जगहों के बीच में होता है, दिल्ली से जयपुर के बीच में. ओके ठीक है. लार्जेस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम द अर्थ इन द इंटायर वर्ल्ड हैपेंस बिटवीन दिस. ओके एक्सट्रैक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, अगर रिप्लेनिशमेंट नहीं हुआ तो इट विल गेट बोन ड्राई वेरी वेरी सून, है ना. ये एक मतलब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसकी क्रिटिकलिटी का, बिकॉज जमीन में पानी कैसे जा रहा है. आपने सुना होगा कि दिल्ली में बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, आ जाती है, जान ही पा रहा है ना, वो हाँ, सब सील हो चुका है. शहरों में बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, इवन गांव में बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है. कभी सुना है जंगल में बारिश हुई बाढ़ आ गई, पानी नीचे सेटल हो जाता है? क्यों क्यों ऐसा होता है? व्हाई? So, क्या होता है कि कोई भी पेड़ है, ट्री है, तो जितना वो आपको ऊपर दिख रहा है उससे ज्यादा नीचे है. इट्स लाइक आइसबर्ग काइंड ऑफ थिंग. रूट्स बहुत क्रिटिकल पार्ट है और मोस्ट मतलब हाईली लेस अंडरस्टूड है. मतलब किसी को पता नहीं है रूट्स के बारे में, उसका क्या फंक्शन होता है. सब बस ये समझते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज द ओनली थिंग. दैट इज नॉट द ओनली थिंग. रूट्स जो होती हैं, जब वो वाटर रिटेंशन करती हैं. जो मैंने बताया ना कि फॉरेस्ट में कभी बाढ़ नहीं आती, इसलिए क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं. अगर ये फर्श जो है ये कांच की होती तो आप फॉरेस्ट में तो आप नीचे देख ही नहीं सकते थे, इतनी जड़ें हैं. right. और सारी जड़ें एक दूसरे में गुथी हुई है, हाँ, इंटरमिंगल्ड है. तो एक बहुत बड़ा वेब बन जाता है. राइट उस वेब, वो इतना बड़ा वेब बन जाता है कि उसमें बहुत मतलब बिलियंस ऑफ क्यूबिक लीटर ऑफ पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाता, मतलब रिटेंशन हो जाता है उसका. तो जब पानी बरसता है उस वक्त वो पानी रिटेन कर लेता है, और जब सूखा मौसम आता है तो वो धीरे धीरे पानी छोड़ता है, रिलीज करता है, बैलेंस करने के लिए. हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिजिक्स. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. इसीलिए ये बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चीज है. इसीलिए हम बोलते हैं कि फॉरेस्ट का जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, इट इज नॉट वुड, बिगेस्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज वाटर. ठीक है. तो वो आप समझ गए कि पानी कहाँ से आ रहा है. ठीक है. अब जयपुर और दिल्ली के बीच में ये फॉरेस्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा सिंक ऑफ वाटर है. मेक सेंस, राइट? ठीक है. अब ये फॉरेस्ट कैसे सस्टेन करेगा? कोई भी फॉरेस्ट सस्टेन कैसे करता है? क्या हर बार हम प्लांटिंग करते रहेंगे उसमें? सस्टेन कैसे करता है? सस्टेन तभी करता है जब उसमें वाइल्ड लाइफ हो. ठीक है. क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्या करती है? बीजों का वो करती है. एक्चुअली हमारे यहाँ हिंदी का ज्यादा प्रयोग है, बट विकीर्णन समझते हो आप, स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स. ओके, राइट. दूर दूर तक, राइट? क्योंकि जो बचपन में हम पढ़ते थे फ्लावर के ऊपर से, वो बर्ड, नॉट जस्ट बर्ड्स बल्कि जो हर्बीवोर्स हैं, इंसेक्ट्स आल्सो. हाँ, एवरीवन इज डूइंग दिस. मतलब सारे अपना इकोलॉजिकल फंक्शन निभा रहे हैं, राइट? ठीक है. तो अगर वो सांबर डियर है तो वो कुछ प्रजातियां खा रहा है, उसके अंदर सीड जा रहा है, फिर उसके एक्सक्रीटा से निकल रहा है, वो स्प्रेड कर रहा है, राइट? या चीतल है, वो कुछ स्प्रेड कर रहा है, लंगूर स्प्रेड कर रहा है, ऐसे सारे जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं, पॉर्क्यूपाइन से लेके, एवरीवन इज डूइंग सम काइंड ऑफ इकोलॉजिकल फंक्शन. इसीलिए ये फॉरेस्ट एक लाइव इकोसिस्टम है. ठीक है. अगर इससे आप जानवर सारे हटा देंगे तो ये मर जाएगा अपने आप, राइट? और इन सारे जानवरों में टाइगर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू आर स्टार्टिंग अ जर्नी ऑफ टाइगर रिजर्व. कोई आपसे पूछे कि
कि टाइगर ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसका क्या आंसर है? टाइगर ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इट्स एट द टॉप ऑफ द फूड चेन. व्हाट डज दैट मीन? टाइगर के रहने से फॉरेस्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? शायद हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को चेक में रखता है. मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एक चीज बताता हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा. जितने भी हर्बीवोर्स हैं, चाहे वो सांबर हो, चाहे चीतल हो या नीलगाय हो, मेजर तीन यहाँ पे अरावलीज में है. डेसर्ट की तरफ जाते हैं तो चिंकारा है, ब्लैक बक है. तो ये इनकी आदत होती है कि ये अपना एक्सक्रीटा एक ही जगह करते हैं. ओके, ठीक है. जैसे जितना भी सीड खाएंगे एक ही एक डेजिग्नेटेड जगह है, वहाँ एक्सक्रीटा करेंगे या रहते वहीं पे. लेट्स नॉट, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, एक जगह रहते हैं, एक जगह रहते हैं तो वहीं एक्सक्रीटा करेंगे. अब वो अगर 100 किलो बीज खा रहा है तो, और 100 किलो बीज एक्सक्रीटा में निकाल रहा है, निकाल कहाँ रहा है, यही निकाल रहा है बार 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 बार, तो इससे क्या फायदा होगा? कितने पेड़ बन जाएंगे इससे? स्प्रेड आउट नहीं होगा. स्प्रेड आउट नहीं होगा. अब वो स्प्रेड आउट कैसे होगा जब वहां कार्निवोर होगा? तो अपने आप इनकी पॉपुलेशन बिल्कुल भागेंगे, भागती रहेगी, है ना. टाइगर आएगा, पैंथर आएगा, ये भागेंगे, स्प्रेड करेंगे, दूसरी जगह पे बीज फैलाएंगे, सारा फॉरेस्ट को कवर करेंगे. राइट, कहीं और जाएंगे, यहाँ हो सकता है कोई एक तरह के पेड़ हो, वो दूसरी जगह जाए, वहां दूसरे तरह के पेड़ हो, उधर उसके सीड्स को स्प्रेड करें. इस तरीके से ये जो फॉरेस्ट में एक तरीके से ये ट्रैफिक पुलिसमैन का काम करता है, जो टाइगर है हर्बीवोर्स को फैला के रखता है पूरे में. जो पूरा, नॉट जस्ट हर्बीवोर फैलेंगे तो दूसरे जानवर फैलेंगे, मतलब वो तो इट गोज टू द चेन. तो पूरे एरिया में एनिमल्स को फैला के रखता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है टाइगर. दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. इफ टाइगर इज नॉट देयर, इफ टॉप मोस्ट कार्निवोर इज नॉट देयर, तो वो जो फॉरेस्ट है वो इतने में आगे से कुड़ जाएगा. ठीक है, इसलिए टाइगर इंपॉर्टेंट है. टाइगर होता है तो हर्बीवोर्स फैलते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं तो जंगल बचता है, जंगल बचता है तो पानी मिलता है. वेरी सिंपल. ठीक है, अब हम सर इसका टाइगर रिजर्व पे आते हैं. ठीक है, मैं ये आपकी तरफ फेस कर देता हूं. दिस लाइक नॉर्थ है, मैं हम नॉर्थ में, आप साउथ में. तो सर इसका टाइगर रिजर्व इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू. हैबिटेट फ्रैक्चर टाइगर रिजर्व है ये पूरी तरीके से. ठीक है, ये जो रोड है ये अलवर सिटी है, ये दिस इज अलवर सिटी. ओके, दैट एंड दैट कॉर्नर डायगोनली अपोजिट नियर हिम इज जयपुर. ओके, ठीक है. और ये फर्दर इस तरफ जहाँ मैं बैठा हूँ, हाँ दिल्ली है. ठीक है, तो ये रोड जो जा रही है अलवर से निकल के, ये दिख रही है आपको, ये ऐसे जाती हुई, ये बिल्कुल टाइगर रिजर्व के बीच में से जा रही है. ठीक है, ये बिल्कुल टाइगर से, आप अभी मेन हाईवे है नेशनल. हाँ, ये मेन, आप इसी से आए. ओके, अभी आप आए हैं तो बीच में फॉरेस्ट मिला होगा. बिल्कुल, आप बिल्कुल बीच में इसमें से आए. ओके, ठीक है, आपने कचौड़ी खाई है यहाँ पे. ओके, दिस प्लेस, तो यहाँ पे तो प्रॉपर सेटलमेंट्स है. मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ. तो ये रोड है, आप यहाँ कहीं रह रहे हैं थानागाजी में. ओके, ठीक है, दिस इज थानागाजी. ठीक है, अब ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है. नॉर्दर्न पार्ट में दिस इज ग्रीन में जो दिख रहा है वो कोर एरिया है कहीं भी. ओके, और जो ऑरेंज में दिख रहा है बफर एरिया है. ओके, ठीक है. ओके, डजंट मीन कि यहाँ टाइगर ज्यादा है और यहाँ कम है, एक्चुअली इट इज द रिवर्स. यहाँ टाइगर ज्यादा है बफर में, उसका कारण अभी बता रहा हूँ. ये टूरिस्ट जोन है दिस पार्ट. ओके, इस टूरिस्ट जोन आज आप जहाँ गए हैं दैट वॉज घान का. पांडुपोल में मंदिर है. ठीक है, तो ये पांडुपोल है, जो नीलकंठ मंदिर है वो साउथ में है, यहाँ कहीं है. ओके, ठीक है. तो जो इनवायलेट एरिया है वो ये है, ईस्टर्न एज दिस पार्ट एंड द नॉर्दर्न पार्ट. ओके, दिस पार्ट इज इनवायलेट, मतलब यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा गांव नहीं है बीच में, और बहुत ज़्यादा कोई टूरिस्ट मूवमेंट नहीं है. ओके, तो आप बहुत, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जितने भी टाइगर्स के बच्चे हो रहे हैं वो या तो यहाँ हो रहे हैं या यहाँ नॉर्थ में हो रहे हैं. ओके, इधर कोई बच्चे नहीं हो रहे टूरिज्म जोन में. टूरिज्म जोन में. अब ये जो रास्ता है, सबसे पहले मैं आता हूँ कुछ इश्यूज पे और फिर कुछ अचीवमेंट्स पे. ओके, इश्यूज सबसे पहला है रिलीजियस टूरिज्म यहाँ पे. सरिस्का के अंदर, क्योंकि ये वो ही जंगल है जिसमें पांडव आए थे उसके लिए, अज्ञातवास के लिए. ओके, ओके, ठीक है. तो उनकी जो अज्ञातवास की स्टोरी है उसके कई सारे लैंडमार्क्स इस जंगल के अंदर हैं.
ओके अभी ये पांडुपोल है, ये है पांडुपोल हनुमान मंदिर, ये क्या है? आपने स्टोरी सुनी होगी एक जगह, एक बार भीम को बहुत घमंड हो गया था कि वो बहुत ताकतवर है, तो हनुमान जी उनको, हनुमान जी लेट गए थे, वो पूंछ फैला करके उठा नहीं पाए थे, तो ये पांडुपोल वही जगह, यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है वो लेटी हुई मूर्ति है। अच्छा, ठीक है, तो ये वही जगह है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत फेमस है, यहाँ बहुत मतलब लैक्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ आते हैं। सिमिलरली एक भरतरी करके मंदिर है, एक भरतरी ऋषि थे, ये भरतरी लिखा हुआ ना, एक ऋषि थे बहुत बड़े, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है। okay. इधर एक ये इस तरफ एक मंदिर है, उसका नाम है नाहर शक्ति, okay. दुर्गा जी का मंदिर है, ठीक है, हर जगह, इधर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर यहाँ पे है। ये वो नीलम की मूर्ति वाला मंदिर है? बिल्कुल, नीलम की मूर्ति वाला मंदिर है। Okay. अब इसमें ज्यादा खास तौर से ये पांडुपोल मंदिर, ये बिल्कुल कोर के अंदर है, कोर ऑफ द कोर में है ये, ठीक है, तो यहाँ पे जाने के लिए ये सदर गेट है, ये रहा, ये सदर गेट है, यहाँ से जिप्सी जाती है अंदर, यही वाला एरिया ना जहाँ पे हमने भी सफारी, हाँ, इसी यहाँ से आप होके राइट मुड़ गए होंगे तो ये घानका वाले, ठीक है, तो ये आप जो सीधा जाएंगे तो ये पांडुपोल मंदिर पे जाएंगे। अब इस पे इतना बड़ा ट्रैफिक रहता है, इतने लोग जाते हैं यहाँ पे उसके लिए मंदिर के लिए, कि इससे इस टूरिज्म प्रेशर की वजह से इस जोन की जो टाइग्रेस हैं, टाइग्रेस नंबर 7, 8 and 9, ओके, जो विजिबल इम्पैक्ट ये है कि टाइग्रेस 7 और 8 ने तो कभी बच्चे नहीं दिए, ओके, दिए ही नहीं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, ठीक है, और 9 ने सिर्फ एक बच्चा दिया है, सर्वाइव किया वो, हाँ, ओके, एक ही बच्चा दिया है उसने और वो सर्वाइव किया, ठीक है, तो 7 और 8 ने कभी बच्चे नहीं दिए, 9 ने सिर्फ एक ही बच्चा दिया है। और इनकी एज क्या होगी 7, 8, 9 की, तीनों की लगभग? आई थिंक दे हैव क्रॉस देयर प्राइम, अब ये होंगे 10 साल के करीब, पुरानी टाइग्रेस है, 10 साल के करीब के, नॉट एग्जैक्टली पुराने लेकिन प्राइम क्रॉस कर दिए, हाँ, रिलेटिवली, ठीक है, तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म दैट इज हैपनिंग, रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है। अब इसके बहुत से ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि इंस्टेड कि हम प्राइवेट व्हीकल्स यहाँ से अलाउ करें, हम शटल बसेस अलाउ करें, शटल बसेस से, उससे क्या होगा कि बसेस में पूलिंग हो जाएगी, कम गाड़ियाँ जाएंगी, ठीक है, हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा। दूसरा, एक तो शटल बसेस करें, दूसरा यहाँ मंदिर जाने के लिए एक शॉर्टर रास्ता यहाँ से, ये 22 किलोमीटर है, शॉर्टर रास्ता 8 किलोमीटर का इस साइड से है, यहाँ भी एक गेट है, हाँ, ये भी जंगल में से निकलेगा बट शॉर्ट है, ओके, तो जो इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा ये 6 किलोमीटर दिस साइड, 6 किलोमीटर दिस साइड, मतलब 12 किलोमीटर का इम्पैक्ट आएगा, कम से कम ये 44 किलोमीटर, यहाँ 44 किलोमीटर का इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, 3 गेट हैं सर इसका, कि ये सदर गेट बोलते हैं, साउथ में टहला गेट बोलते हैं, ये सिलीबेरी गेट है ईस्ट में, तो सिलीबेरी गेट का प्रपोजल चल रहा है, दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, ओके, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली NHAI ने वो एक एलिवेटेड रोड प्रपोज की है, ओके, इसके ऊपर, ये जिस रोड से आप आए हैं इसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड प्रपोज किया, जैसे MP में अभी बनी है, हाँ, अगर एलिवेटेड रोड ये बन जा, DPR बन रहा है उसका, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहा है, अगर ये जब ये बन जाएगा, अगर नहीं अब जब ये बन जाएगा, तो ये दोनों हैबिटेट्स नॉर्थ और साउथ की ये इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो इट बी द बिगेस्ट हैबिटेट री इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, इससे बड़ा नहीं है। बट डू दे हेल्प एलिवेटेड रोड्स? या, क्योंकि नीचे से फॉरेस्ट जुड़ जाएगा, मतलब MP में जो बनाया था पेंच का एरिया, सियोनी वाला एरिया कवर अप करने के लिए, उसमें आई माइट बी कमिंग फ्रॉम अ लिटिल लेस नॉलेज, बट सुना यही था कि नीचे से जो है पहले शुरू में मिले कुछ फोटोज, और उसके बाद अब वहां से कुछ क्रॉसिंग के कुछ भी नहीं मिल रहा है कैमरा ट्रैप में, तो नहीं, आई एम श्योर यहाँ बहुत हेल्प होगी बिकॉज इस रोड पर बहुत ट्रैफिक है, ओके, इस रोड पर ट्रैफिक है, इस कारण से एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, इस कारण से एनिमल्स हेजिटेट क्रॉसिंग, ठीक है, बट जब ये एलिवेट हो जाएगा, एग्जैक्टली इतना ही है, यहाँ से कहीं से थानागाजी चढ़ रहा है और ये इस जगह, इस पॉइंट का नाम है नटनी का बारा, ओके, इन नटनी के बारा पे उतरेगा ये, और फिर इन दोनों एरियाज का क्या होगा, ये भी तो इस पे आ रहा हूँ मैं, इस पे आ रहा हूँ, ओके, ठीक है, तो ये हैबिटेट इंटीग्रेशन के लिए ये चल रहा है, ओके, रिलीजियस टूरिज्म के लिए ये वाला एक प्रपोजल चल रहा है, वी आर वर्किंग ऑन इट, ओके, थर्ड जो बड़ा इशू है वो है विलेजेस इनसाइड द कोर एरिया, दीज आर रेवेन्यू विलेजेस, ये आप जितने ये देख रहे हैं ना, ये स्क्वायर पैटर्न, ये माधोगढ़ है, ये कुशालगढ़ है, इंदौक है, यहाँ पे कुछ विलेजेस हैं, इधर कुछ विलेजेस हैं, ये क्या है, हैबिटेट को फ्रेगमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये कुछ विलेजेस हैं इधर, ठीक है,
इन विलेजेस में ये जो विलेजेस रह रहे हैं इनके पास बहुत भैंसे हैं. भैंसें क्या करती हैं, मैं आपको बिल्कुल जमीन की हकीकत वो बता रहा हूँ. भैंसे क्या करती हैं, पानी के जो जोहड़ हैं यहाँ पे, जो छोटे छोटे तालाब जैसे यूपी में कहते हैं उसको यहाँ कहते हैं राजस्थान में जोहड़, तो पानी के जोहड़ है उसमें बैठेंगी, उसको गंदा करेंगी. इस वजह से उसमें जानवर, टाइगर नहीं पानी पीते उसमें, या हर्बीवोर्स नहीं पानी पीते. ज्यादा गंदा हो जाता है, स्मेल आने लगती तो वो नहीं पीते. ओके. तो वाटर पॉइंट्स खराब कर देती है. ओके. फिर वो क्या करती है, वो घास खाएगी. जो हर्बीवोर्स को खाना चाहिए वो भैंसे खा जाती है. भैंसों के में डियर के ज्यादा वो नहीं होता, ठीक है. फिर वो क्या करेगा, वो वीड्स खाएगा कहीं से, भैंस वीड खाएगा मतलब, या उसके बॉडी पे लग जाएगा और वो दूसरी जगह जाएगा तो वहां फैलाएगा, पूरी हर जगह वीड्स फैलाएगा. पार्थिनियम आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गाजर घास जिसको बोलते हैं पार्थिनियम, वो व्हाइट फूलों वाला, जो व्हाइट फूलों वाला होता है, बिल्कुल. तो ये प्रॉब्लम गाँव की है, ठीक है. ये खुद में तो प्रॉब्लम है ही, बल्कि इनके मवेशी ज्यादा बड़े प्रॉब्लम है. तो सरिस्का में क्या हुआ है कि बहुत से विलेजेस को ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वॉलंटरी रिलोकेट किया है. गवर्नमेंट लोगों को इंसेंटिव्स देती है, दूसरी जगह लैंड देगी, पैसा देगी, अदर सुविधाएं देगी कि हम जहां पे तुमको लैंड दे रहे हैं वहां पे तुमको बिजली कनेक्शन देंगे, तुमको स्कूल बना के देंगे, तुमको रोड्स बना के देंगे. ये मोटिवेशन है इन लोगों के लिए, डू दे जा रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं. यहाँ ये उमरी गांव था यहाँ पे पहले, ये जा चुका है पूरा जा चुका है, ठीक है. ये अब मैं आपको लास्ट 2-3 years का बता रहा हूँ, ये डाबली गांव है, पूरा जा चुका है. अच्छा, पहले यहाँ पे भी पूरा गांव था, ये गांव था. ये सुकोला गांव है, आधा जा चुका है. ओके. ठीक है, ये तो खैर इधर तो चल ही रहा है. इस तरफ सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हुआ है इस तरफ. ओके. ये जो आपको लाइन दिख रही है ना पूरी, इसमें तो सबसे पहले ये पानी ढाल गांव है, यहाँ कहीं है लिखा होगा, ये वाली, ये पानी ढाल है. अभी आपको ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि गांव पूरा रिलोकेट हो गया. ओके. पहले यहाँ पे एक बड़ा सा पैच था, गांव रिलोकेट हो गया, यहाँ आपको लेकर के जाएंगे. जब गांव रिलोकेट हो गया तो वो पूरी जगह टाइगर्स के लिए ओपन हो गई, अच्छी ग्रास आ गई. ठीक. तो इधर पेट्रोलिंग में भी टाइगर मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है खूब, यहाँ ही बच्चे हुए हैं अभी. और ये इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए है कि ये जहां गांव रिलोकेट हुआ है उसी जगह एक टाइग्रस ने बच्चे दिए. जहां रिलोकेट हुआ नहीं, जहां से गांव हटा है इसी एरिया में बच्चे, हाँ, इसी एरिया में टाइग्रस ने बच्चे दिए जहां पहले टाइगर्स जाते नहीं थे गांव की वजह से, अब वहां बच्चे दे दिए. ये एक सिग्निफिकेंट मतलब वो है, अचीवमेंट है. फिर उसके आगे नाथूसर गांव दिख रहा है, ये रिलोकेट हो गया है, हो चुका लोज, है. हाँ, okay. लोज नाम से है, ये रिलोकेट हो चुका है. इनको रिलोकेट करके एजेस पे भेजते हैं? नहीं, इनको रिलोकेट करके दूर भेजते हैं. मतलब सरिस्का इस मैप में नहीं है. अच्छा, अलवर जिले में ही है लेकिन टूवर्ड्स गुड़गांव है, उस जमीन का नाम है तिजारा. ओके. तिजारा की तरफ है. okay. ठीक है, तो वहां पे उनको भेजा हुआ है. ओके. तो ये एक क्योंकि अब ये एक सिंगल वैली है, मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ, इस पे तो दिख नहीं रहा. ये जो पैच दिख रहा है ये माधोगढ़ गांव है, वो ये पैच दिख रहा है आपको. ओके, ये वाला, ठीक है. ये शेप आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये अंदर घुसता हुआ टाइगर जैसा ये है. ओ, ओके. ये गांव बीच वाला खेती. ओके. राइट. अब यहां से शुरू होती है वो वैली, ठीक है. अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैली बहुत लंबी वैली है, ये ऐसी सीधी जा रही है. राइट. इसी वैली में पहले पानी ढाल गांव था, फिर लोज गांव था, फिर थर्ड नाथूसर है. तीन गांव है बैक टू बैक. ओके. फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, पानी ढाल, लोज, नाथूसर. ये पानी ढाल पूरा उठ गया, लोज पूरा उठ गया, नाथूसर उठ रहा है इस वक्त. और पानी ढाल में बच्चे दिए. हाँ. okay. तो ये पूरी वैली एक लंबी वैली क्लियर हो गई. राइट. मेक सेंस. अब ये पूरी लंबी वैली क्लियर हो गई तो ये पूरा इस एरिया में जो डिस्टर्बेंस था वो पूरा क्लियर हो गया. बहुत बड़ी टेरिटरी ये टाइगर्स के लिए निकली है. राइट. राइट. यहाँ पे एक ST-10 टाइग्रेस है, ST-12 है, ST-22 है. ओके. ठीक है, तो उसने रिसेंटली यहाँ पे बच्चे हुए हैं पिछले साल. एक्चुअली गूगल इमेज जो होती है अपडेटेड नहीं होती है, इसलिए इसमें आपको गांव दिख भी जाएगा. ये पानी ढाल गांव था ये. oh, आप okay. जाओगे यहाँ पे. ओके. ठीक है, ये पानी ढाल गांव था. तो अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स तो होंगे ना ये? नहीं, जब हम किसी गांव को रिलोकेट करते हैं तो हम उसको डिमोलिश कर देते हैं. ठीक है. ठीक है, तो डिमोलिश दिखाई देगा आपको. ये 2021 में हुआ है तो ये तो डिमोलिश भी नहीं दिखाई, ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगा. बट ये पिछले साल हुआ है 2022 में. लोज दिखाता हूँ.
ये दिख रहा है आपको, ये पूरा ये जो घर दिख रहा है लोज कानपुरा क्या? हाँ, ये लोज है। ओके, तो ये लोज निकल चुका है पूरा, ये आपको डिमोलिश दिखाई देगा। ओके, ये इससे पहले हो गया था? ये रिसेंटली हुआ, लास्ट ईयर हुआ है। लास्ट ईयर हुआ है, इसीलिए इसमें अभी आपको घर दिखाई दे रहे हैं। अब एक्चुअली में जमीन पे ही घर नहीं है। और अब ये जो खेती वाला एरिया होगा ये सब ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये लोज था, ये उठ गया है। इसके बाद ये नाथूसर है, नाथूसर का काम चल रहा है, रिलोकेशन हो रहा है। नाथूसर ये रहा, ओके, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग दैट वी आर डूइंग, मतलब हम इन गांव को क्लियर करके वैलीज को क्लियर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हैबिटेट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हैबिटेट बढ़ेगा तो चीज़ हैबिटेट बढ़ेगा तो अपने आप टाइगर्स बढ़ेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट और ज्यादा प्रोटेक्ट होगा। अब लास्ट जो एस्पेक्ट, अच्छा ये तो मैंने एक प्रॉब्लम बता दी, फिर क्या हम कर रहे हैं ये बता दिया मैंने। इसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व में 2004 में पूरे टाइगर्स खत्म हो गए थे, ये आपने पता ही होगा, पोच हो गए थे। उसके बाद 2008 में पहली बार टाइगर रीइंट्रोड्यूस किए गए रणथंभौर से। उसके बाद द स्टोरी हैज बीन ऑफ इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज बीन ट्रेमेंडस सक्सेस। क्यों? क्योंकि ये विलेजेस रिलोकेट हुए हैं बहुत सारे, बहुत एक्टिवली एंटी पोचिंग एक्टिविटीज हुई हैं, पार्क मैनेजमेंट इस तरीके से हुआ है, ज़्यादा ज़्यादा हैबिटेट बनाने को, पानी के स्ट्रक्चर्स हर जगह क्रिएट किए गए, पानी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो इसकी वजह से अब क्या हुआ है कि इस वक्त सर इसका टाइगर रिजर्व में 33 टाइगर्स हैं। ओके, ठीक है, एज पर दिस लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट, इंक्लूडिंग द कब्स, इंक्लूडिंग द कब्स। ठीक है, हम नॉर्मली ये देखते थे कि 2.5 ईयर्स से नीचे के कब्स को सेंसस में नहीं लेते थे। अभी नहीं, मैं आपको सब जोड़ के बता रहा हूँ। ओके, 33 हैं। ठीक है, इसमें 9 बच्चे हैं। ओके, ठीक है, 9 बच्चे हैं, 9 में 4 सब एडल्ट्स, मतलब सब एडल्ट्स मतलब दे हैव जस्ट कम आउट ऑफ देयर मदर, मदर ने उनको अलग कर दिया। चार बच्चे, अच्छा, मतलब 2.5 साल के ऊपर ही लगभग, जब तक वो मदर के साथ रहते हैं तब तक उनको कब्स कहते हैं। हाँ। फिर मदर उनको 2 साल से 2.5 साल के बीच में उनको अलग कर देती है, तब उनको कहते हैं सब एडल्ट्स। फिर जब वो अपनी टेरिटरी बना लेते हैं, सब एडल्ट्स एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है जब वो अपनी टेरिटरी ढूंढ रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उस समय उनकी लड़ाई हो सकती है दूसरे टाइगर से, या वो एक क्रिटिकल टाइम होता है। तो इस वक्त 4 सब एडल्ट्स हैं। ओके, ठीक है, तो जब वो अपनी टेरिटरी बना लेते हैं फिर वो प्रॉपर एडल्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वक्त ये जो पार्ट है बफर वाला, इसमें 3 कब्ज हैं, 2 सब एडल्ट्स हैं और 2 मैच्योर टाइगर्स बफर में, सिर्फ इतने बफर में। बिकॉज इजी फूड, ये रीजन होगा वहां पे? नहीं, दिस एरिया हैज बीन, मतलब एक तरीके से कहें रिलेटिवली न्यूली एक्वायर्ड इन सरिस्का टाइगर रिजर्व। पहले ये टेरिटोरियल फॉरेस्ट था, यहाँ ये सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं था। ओके, ठीक है, इसको न्यूली एक्वायर किया गया, यहाँ पे पानी के पॉइंट्स क्रिएट किए, एक्टिव मैनेजमेंट इसमें नया है। ओके, ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट नया है, मतलब पानी के पॉइंट्स नए हैं, एंटी पोचिंग नया है, ज़्यादा प्रोटेक्शन है, तो टाइगर फेल्ट कम्फर्टेबल। और यहाँ पे एक ST18 मेल है, ST19 फीमेल है, उन्होंने अपनी टेरिटरी बना रखी है। इन दोनों के ही पहले 2 बच्चे हुए थे, वो दोनों अब सब एडल्ट्स हैं, अभी लेटेस्ट 3 बच्चे हुए, वो भी इसी एरिया में। तो उस एरिया में रिलेटिवली ह्यूमन एक्टिविटी भी ज्यादा है, जब हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं किसी जगह पे और हैबिटेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट, तो वी गेट गुड रिजल्ट्स। और फिर वो एक बार टाइगर वहां पनप जाते हैं तो अपने आप फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो टाइगर से यहाँ पे आ गए, तो जो ग्वाले यहाँ पे बकरी वकरी लेके आते थे, अब वो कम हो गए, क्योंकि अब वो बकरी लाएंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने आप फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाता है। दिस इज हाउ इट लुक्स। सो ये एक प्रॉब्लम हो गई हमारी जो रिलीजियस टूरिज्म है, और एक प्रॉब्लम हो गई जो 2 विलेजेस हैं, या जितने 2 नहीं है, कई हैं विलेजेस, जितने भी स्प्रेड आउट विलेजेस बिकॉज़ ऑफ फ्रैगमेंटेशन। हां, फ्रैगमेंटेशन। अब ये एक्चुअली में गूगल अर्थ पे आप देखोगे तो ये सारे विलेजेस साफ दिखते हैं, ये आपको सारे दिख रहे होंगे, ये जो पैचेस है वाइट वाइट जो पैचेस है, ये खेती वाला एरिया, खेती वाला एरिया, ये है आपका डाबली है, डाबली है, ये सुकोला है,
ऐसे ये माधोगढ़ है, है ना, ये कई सारे हैं, ये हरिपुरा है, ये कांकवाड़ी है, कांकवाड़ी में। ओके, इन दो के अलावा भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ सर इसका में? मेनली ये दो, तीन है, रिलीजियस टूरिज्म बता दिया मैंने आपको, फ्रेगमेंटेशन, विलेजेस हो गए अंदर, अंदर विलेजेस हो गए, ये रोड हो गई, रोड हो गई, और तीनों पे काम चल रहा है, तीनों पे काम चल रहा है। ओके, आगे फ्यूचर में एक इशू है, क्योंकि बीइंग अ टाइगर रिजर्व मतलब मैनेजमेंट, हम लोग फ्यूचर की तरफ देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो आगे यहाँ पे जो इश्यूज हैं वो है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेल टाइगर्स। नॉर्मली क्या है कि जो रेशियो होना चाहिए वो 1:2 मिनिमम होना चाहिए, एक मेल पे दो फीमेल कम से कम होना ही चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़्यादा जितना भी नए टाइगर्स आ रहे हैं, कब्ज़ आ रहे हैं, उन्हें मेल की संख्या रिलेटिवली ज्यादा है। ओके, ठीक है, जो मैंने आपको 9 बताया ना, सबेडल्स एंड कब्स, इन 9 में एटलीस्ट 4 तो कंफर्म्ड मेल हैं। ओके, ठीक है, ये जो 3 यहाँ पे कब्ज हैं, इनका अभी जेंडर नहीं पता क्योंकि अभी ये बहुत छोटे हैं। ओके, लेकिन 4 तो कंफर्म्ड मेल हैं। ओके, ठीक है, अब इन 4 मेल्स को अपनी टेरिटरी चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या है कि हैबिटेट को एक्सटेंड और करने की जरूरत है, कॉरिडोर्स बनाने की जरूरत है। कॉरिडोर्स से मेरा मतलब ये है कि बेसिकली जो फ्रेगमेंटेशन है उसको, हाँ, जैसे ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए वेस्टर्न एज ये है, सरिस्का टाइगर रिजर्व का, ठीक है, वेस्टर्न एज ये यहाँ दिख रहा है, और ये मेरा, ये अलवर टेरिटोरियल फॉरेस्ट का एरिया है। ओके, ठीक है, अब हम ये बीच बीच में जो गैप्स हैं, इसमें जो भी पंचायतों की जमीन है या सवाई गवर्नमेंट रेवेन्यू लैंड है, जो भी इस तरह की खाली लैंड पड़ी हुई है, उस पर एनओसी लेकर के वहां पर प्लांटेशन हम करा रहे हैं, छोटे छोटे जितनी भी जमीन मिले। बट यहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी है फिर? है, लेकिन हर पंचायत में पंचायत की जमीन होती है, कॉमन लैंड्स जिसको कहते हैं, या कुछ गवर्नमेंट की लैंड्स होती हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, तो वहां हम प्लांटेशन करा रहे हैं। बट अगर इधर आगे जाके कोई टाइगर मूवमेंट बढ़ता है, मतलब आइडिया तो यही है कि जंगल बढ़े ना, तो फिर जब यहाँ पे कुछ कुछ पैचेस, ये गैप फिलिंग हो जाएगी, तो टाइगर्स कैन मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, और ये सारा एरिया भी आगे जाकर के कॉरिडोर मिल जाएगा, कॉरिडोर मिल जाएगा। और वेरी मतलब इंटरेस्टिंगली दिस कॉरिडोर, या आप ये वाला पूरा पैच देख रहे हैं, ये सारा इंटीग्रेट हो जाएगा, और दिस कॉरिडोर विल एक्सटेंड, ये जो फॉरेस्ट इसको बोलते हैं जमवा रामगढ़, ये वाला जो रामगढ़ विजधारी, अभी नहीं रामगढ़ विजधारी जो सदर्न राजस्थान में है, दिस इज जमवा रामगढ़। तो यहाँ से होता हुआ एंड इट विल कम वेरी क्लोज टू जयपुर, दिस इज जयपुर। ओके, तो ये जमवा रामगढ़ तक टाइगर का मूवमेंट हो जाएगा, और आगे जाके अगर इधर भी एक्सरसाइज ये गैप फिलिंग की गई, तो इट कैन कम राइट अप टू द कैपिटल ऑफ राजस्थान। किसी कॉरिडोर से ये रणथंभौर से भी कनेक्ट करता है? नहीं, रणथंभौर से एज ऑफ नाउ कोई कॉरिडोर नहीं है, ये है रणथंभौर टाइगर। ओके, नहीं सॉरी, ये है रणथंभौर टाइगर। अच्छा, बट ये तो, हाँ ये कह सकते हैं कि ये बीच में, ये दौसा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पे, दौसा का ये फॉरेस्ट एरिया है, बट ये बीच में से बड़ा सा हाईवे जा रहा है, आगरा जयपुर आगरा हाईवे, ये बीच में से जा रहा है। अब आई डोंट नो फ्यूचर क्या रहता है, बट हाँ जरूर टाइगर रिजर्व्स की कनेक्टिविटी, अगर रणथंभौर और सरिस्का की कनेक्टिविटी होता है, हो जाती है, तो इट विल बी अमेजिंग। और बूंदी भी आई थिंक रास्ते में पड़ता है क्या? इसलिए, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि रणथंभौर से, ये रणथंभौर है, ये रामगढ़ विजधारी है। अच्छा, ये कनेक्टेड है क्या? ये कनेक्टेड है, बस इनके बीच में एक रिवर है। एंड रामगढ़ विजधारी इज इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट। हाँ, रामगढ़ विजधारी जो है वो ये पूरा ये कनेक्टेड होता है, ये बूंदी का भी पार्ट है, इसमें बूंदी जिले में भी है ये। ओके, ये सवाई माधोपुर जिले में और बूंदी जिले में मिला के है। फिर ये इससे ये कनेक्ट हो जाता है जाकर के मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व से। मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व, सो इट इज अ बिग, मतलब बड़ा टाइगर लैंडस्केप बन जाएगा। तो बेसिकली 5 हमारे टाइगर रिजर्व्स हो गए राजस्थान में, और 3 इस वक्त से कनेक्टेड। इस वक्त राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़ विजधारी, मुकुंद्रा, और अभी रिसेंटली धौलपुर टाइगर रिजर्व। 3 हमारे कनेक्टेड है, रणथंभौर इज कनेक्टेड टू बूंदी, एंड देन रणथंभौर इज कनेक्टेड टू धौलपुर, रामगढ़ विजधारी, एंड रामगढ़ विजधारी इज वेरी क्लोज टू मुकुंद्रा। ओके, सो सरिस्का और रणथंभौर में ज्यादा, सरिस्का इज द ओनली आइसोलेटेड टाइगर रिजर्व इन राजस्थान एज ऑफ नाउ। ओके, ठीक है, बाकी तो कनेक्शन काफी नेचुरल है, और टाइगर्स का मूवमेंट भी होता है एक से दूसरे में। एंड ओवर द इयर्स पोचिंग पे भी?
बहुत काम हुआ है, पोचिंग में बहुत काम हुआ है. ऑब्वियसली जो डिटरेंस है वो तो हुआ ही है. फिर प्रोटेक्शन के मामले में जगह जगह पे एंटी पोचिंग यूनिट्स लगे हुए हैं. एंटी पोचिंग मतलब बड़े बड़े कैमरा होते हैं जो देखते हैं दूर तक. ओके. वो लगे हुए हैं. फिर यहाँ पे हर टाइगर पे एक टीम लगी हुई है जो अच्छा. उसका डेली का वो देखता है मूवमेंट की कहाँ पे है. मेरे पास उसकी लोकेशन डेली आती है. ओके. कि कौन सा टाइगर कहाँ पे है, पग मार्क्स वगैरह देखते हैं. फिर इसके अलावा कैमरा ट्रैप्स से उनका मूवमेंट रेगुलरली वो हो रहा है. किल की रिपोर्ट बनती है किस टाइगर ने कहाँ किल किया है, क्योंकि किल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. पास्ट में जो पोचिंग्स हुई हैं उसमें कई बार किल की वजह से पोचिंग हुई है, क्योंकि टाइगर्स ने भैंसें मारी हैं तो गांव वालों ने रिवेंज किलिंग करी है, समथिंग लाइक दैट. तो किल की रिपोर्ट भी हम उसको भी बहुत क्रिटिकली मॉनिटर करते हैं. ठीक है. फिर हम लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने स्टाफ को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं. सबके पास सारे लोग वायरलेस से कनेक्टेड हैं, है ना. हर जगह पर चौकीज बनी हुई हैं. जहाँ पहले इंटीरियर में चौकी नहीं थी, अब हर जगह चौकी हैं. फिर रास्ते हर जगह बने हुए हैं. क्या होता है कि पोचर, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल आपको देता हूँ, ये डाबली है. डाबली में पहले सिर्फ एक रास्ता था आने का, पृथ्वीपुरा की तरफ से यहाँ, सॉरी इधर इस तरफ से उल्टा, यहाँ से इस तरफ से जाने का कोई रास्ता नहीं था. पोचिंग के इंसिडेंसेस यहीं से होते थे. अब हमने क्या है कि इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर दिया, यहाँ से भी कनेक्ट कर दिया, इधर से भी कनेक्ट कर दिया. सारे एरिया में पेट्रोलिंग होती है. एरिया में पेट्रोलिंग रूट्स बढ़ा दिए. जब पेट्रोलिंग रूट्स बढ़ा दिए तो पोचर्स के मन में भी ये रहता है कि पता नहीं लोग कहाँ से आ जाएंगे. राइट. ठीक है. तो इसलिए, और हम भी ज्यादा एरिया कवर करते हैं. फिर बहुत डेंस जब वेजिटेशन हो जाता है उसमें जो पेट्रोलिंग रूट्स बनते हैं, टाइगर्स का मूवमेंट भी बढ़ता है उससे. बिकॉज आपको पता होगा टाइगर्स रस्तों पर ही चलते हैं ज्यादातर. हाँ, ऑफ कोर्स. हाँ, रस्तों पे ही चलते हैं वो. मार्किंग के लिए तो रोड पे ही चलते हैं, झाड़ी में नहीं चलते. ठीक. हाँ. उनको कांटों से बहुत प्रॉब्लम है या मच्छरों से बहुत प्रॉब्लम है, तो वो प्रेफर करते हैं. तो जैसे मान लो यहाँ घना जंगल है और इसमें हमने कुछ रास्ता बना दिया, तो टाइगर विल आल्सो यूज दैट. क्योंकि अंदर विलेजेस है तो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है जो पेट्रोलिंग में सरस कम ही आती है. विलेजेस होने से नहीं, प्रॉब्लम्स जो है वो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं. जैसे पेट्रोलिंग में कोई इश्यूज नहीं है. पेट्रोलिंग में तो एक तरीके से जो विलेजर्स हैं वो अब इतने साल में क्या हुआ है कि उनसे हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी हो गई है. और फिर कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन सोर्स भी रहता है. ओके. सो दे आर नाउ वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद. मान लो कोई टाइगर नहीं मिल रहा काफी टाइम से, और ये कोई ग्वाल है, ये अपनी गाय भैंस चराने कहीं गया हुआ है माले पे. माला मतलब प्लेटो ऊपर. ओके. तो माले पे गया हुआ है तो वो बता देता है कि साहब वहाँ पे एक किल पड़ा हुआ है. तो उसको इस तरीके से हम इंटेलिजेंस में भी हेल्प होती है. फिर जितने हमारे, मैंने आपको बताया ना टाइगर टीम्स लगी हुई हैं हर टाइगर पे. वो जो टीम है उसमें एक लोकल भी है, एक गांव का भी आदमी है. सारे वर्दी वाले नहीं है, मतलब सारे स्टाफ नहीं है. टीम वर्क, एक गांव को भी लगता है कि एक टीम वर्क साथ में हो रहा है. एंड ओके. तो ये फिर क्या है, जो भी गांव रिलोकेट भी हो रहा है ना, वो जो रिलोकेटेड गांव के जो लोग हैं ना, उनमें से भी एक एक आदमी हमारे उसमें लगा हुआ है टाइगर टीम. ओके. बट ये वॉलंटियर्स हैं कि कैसे? हाउ डू? नहीं, दे आर पेड. नहीं मतलब पेड, बट पिक कैसे होते हैं? लाइक जो खुद से ज्वाइन करना चाहता है वो तो उसका एक प्रोसेस है, टेंडर वगैरह होता है. अच्छा. बट दे आर एक्सपर्ट्स. वो क्या है, उनके खानदानी करते आ रहे हैं. ओके. तो फॉरेस्ट से रूट जुड़े हुए हैं. बिल्कुल बिल्कुल. वो इन्हीं गाँव में रहते थे पहले जो यहाँ पे थे. वो कोई, कुछ लोग उमरी के हैं, कुछ लोग लोज के हैं, ये कुछ पानी ढाल के हैं, ऐसे जो पहले यहाँ पे काम थे. ये लोग ट्राइबल्स हैं जो अंदर रहते हैं, लोकल ट्राइब्स राजस्थान की. दो हर तरह के हैं, बट इनका जो लिविंग का तरीका है, आपको एक, आप चाहोगे तो एक ऐसे गांव में भी ले जाएंगे जहाँ लोग रह रहे हैं अभी जंगल के अंदर. हाँ, हम लोग तो बात कर सकते हैं. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. बट वो लोग अभी भी बहुत ही उसमें रह रहे हैं, मतलब प्रीवियस सेंचुरी में रह रहे हैं. ना तो उनके पास लाइट है. एंड दे आर ओके विद दैट. हाँ, मेनली कैटल हर्डर्स हैं. एक राजस्थान में एक समाज है, इसको गुजर समाज कहते हैं. गुजर समाज के लोग हैं, मीणा समाज के लोग हैं. सर्वेयर को दे दो. मेव समाज के भी लोग हैं. बट ये गांव जो आप बता रहे हैं उसमें अगर हम जा पाए तो इट विल बी ग्रेट एक बार. हाँ, क्यों नहीं. ऐसा एक्सपीरियंस आपको सिर्फ सरिस्का में ही मिलेगा और कहीं नहीं है. हम जब काना में थे, हमें वहाँ पे ना एक बैगा ट्राइब के लोग मिले थे. तो वो, वैसे ही पूछ रही हूँ, मतलब उनका ये कहना था कि हम लोग जंगल के बाहर नहीं रहना चाहते और हमारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट नहीं सुनता.
सो हाँ ऑफकोर्स सबको इन दी एंड जंगल ही बचाना है, पर वो बोलते हैं हमारा रास्ता अलग है और गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट का रास्ता अलग है. तो वो बोलते हैं कि हम ट्राइबल्स हैं, हमें पक्के मकान नहीं चाहिए, हम बीमार हो जाते हैं पक्के मकानों में, हमें कच्चे मिट्टी के पुते हुए मकान चाहिए, हम सिटीज में नहीं रह सकते, हमें बीमारियां लग जाती हैं, हमें कोविड के इंजेक्शन नहीं चाहिए. तो ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ के ट्राइबल्स के साथ भी आती है क्या? यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, वैसे आप उनसे बात करना तो उनका पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, बट यहाँ मेन इशू क्या है, सारे ट्राइबल्स नहीं है, मेनली कैटल हर्डर्स हैं. तो उन अगर वो फॉरेस्ट से बाहर मान लो तिजारा ले जाएंगे तो अपनी भैंसे कहाँ चराएंगे वो? हाँ. है ना, वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है इन द सेंस ग्रेजिंग पे. तो अभी जब ये बाहर जाते हैं तो फिर भैंसों का क्या होता है? वो बाहर उनको दूसरी सुविधाएं मिलती है, बाहर उनको खेती की जमीन मिल रही है. जब वो जाते हैं वो जो पैकेज जो उनको मिलता है उसमें उसमें खेती की जमीन है, आवासीय जमीन है, बिजली है, स्कूल है, अस्पताल है, सारी चीजें उनको मिलती हैं. तो जो यंगर जनरेशन है वो जीवन नहीं बिताना चाहते जो उनके बुजुर्ग बिता रहे हैं जंगल में. तो वॉलंटरी रिलोकेट हो जाते हैं. ठीक है, प्लस अब आगे जाकर के फॉरेस्ट में भी उनको प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ रही हैं. जमाना आगे बढ़ रहा है, अब सरकार से कोई एग्जाम्पल के तौर पर सरकार से उनको कोई बेनिफिश वो चाहिए, इतनी स्कीम्स चल रही हैं उनको कुछ चाहिए. तो वो कैसे मिलेगा उनको? आधार से मिलेगा या कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बार बार ई मित्र पे जाना पड़ेगा, राइट? आजकल सारी चीजें ऑनलाइन है, तो वो यहाँ तो मिलेगा नहीं जंगल में, दूर जाना पड़ेगा. सो दिस इज आवर ट्राइबल्स हैं, उनका मेन मसला है ग्रेजिंग. अगर वो बाहर जाएंगे तो वो ग्रेस कहाँ कराएंगे? यही उनका मेन धंधा है, राइट? उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है खेती की. वो तो भैंसों को रख के उनसे दूध निकाल करके, और जिन जगहों से आप गुजरे हैं, यहाँ पे ये माधोगढ़ है, ये किशालगढ़ है, इंदौक है, यहाँ पे अलवर का मावा बहुत फेमस है, पता है आपको? कलाकंद मिल्क केक अलवर का बहुत है. वो कहाँ से आ रहा है सारा मिल्क केक? इधर ही से आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि फॉरेस्ट एरिया बहुत है. और जैसे कि ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट है सर इसका? हाँ, ड्राई डेसिड्यूस. तो यहाँ पे पानी के सोर्सेस तो हमने देखे, कुछ कच्चे थे, जोहड़ है, बहुत जगह जगह पे जोहड़ है, पर वो बारिश से भरते हैं और फिर समर्स में डिपार्टमेंट को मतलब कुछ करना पड़ता है. एक्टिव मैनेजमेंट भी है, ये जो बारिश से तो भरते ही है, फिर समर्स में हमने जगह जगह सोलर बोरिंग करा रखी है. ओके, है ना, उससे कई सारे जोहड़ कनेक्ट हो जाते हैं, तो गर्मियों में ऑटोमेटिकली उसमें पानी जाता रहता है. और समझ में वैसे कोई परेशानियां आती होंगी जंगल में, कुछ पेक्यूलर परेशानियां, क्योंकि टेरेन ऐसा है पूरा सूख जाता होगा? पानी, पानी मेजर प्रॉब्लम है, पानी एक इशू है, बट वो उसके लिए एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं. ओके, कई जगह मतलब अब ये है जो आगे फ्यूचर में करना है, जो ऐसे एरियाज हैं जैसे माले हैं ऊपर टॉप के हैं, तो उन पर नए जोहड़ बनाने हैं, वहाँ पानी पहुँचाना है. जैसे बफर एरिया में अभी क्योंकि रिसेंटली स्टार्ट हुआ ये एरिया, टाइगर प्रोजेक्ट में जुड़ा है 2014 या 2015 में. ओके, तो उसके बाद से इसमें काफ़ी चला है, अभी भी इसमें बहुत स्कोप है. ओके, पानी बढ़ाने का स्कोप है और इमरजेंसी है, करना ही है, जरूरत ही है, करना ही है. ठीक है, फिर ये जो ग्रीन एरिया जो इससे जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं, ये सब अलवर का फॉरेस्ट है जिसका DFO मैं हूँ, जिसका ऑफिस ये है, है ना. तो ये इन सब एरियाज को भी इसमें जोड़ करके यहाँ भी एक्टिव मैनेजमेंट. अभी तक यहाँ पे मैनेजमेंट वाइल्ड लाइफ के एस्पेक्ट से नहीं था. ओके, वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट डिफरेंट है. वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट हमें घास देखनी पड़ती है कौन सी आ रही है, हमें पानी देखना पड़ता है कहाँ कहाँ पानी है कि नहीं है. ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ पे अब इस साल जो यहाँ पे बजट घोषणा हुई थी अभी जो मार्च में हुई थी, उसमें बहुत ज्यादा ग्रासलैंड मैनेजमेंट का काम हुआ है. मतलब पहले हम लोग क्या प्लांटेशन करते थे, पौधे लगाते थे, इस बार हम लोग घास के बीज लगाए हैं. ओके, बहुत इनमें इस एरिया में काफी घास के बीज लगाए हैं, ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड डेवलप होगी तो यहाँ से जो हर्बीवोर्स हैं वो इस तरफ माइग्रेट करेंगे, हर्बीवोर्स माइग्रेट करेंगे तो पीछे पीछे टाइगर भी माइग्रेट करेंगे, उनका एरिया बढ़ेगा. और इस एरिया में वैसे लेपर्ड की पॉपुलेशन ज्यादा खूब है, लेपर्ड तो बहुत है यहाँ पे, लेपर्ड वैसे हर जगह ही है, यहाँ बहुत है लेपर्ड्स, बहुत. आई थिंक वो कनेक्ट होता है ना दिल्ली से भी, जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे हम, ये दिल्ली हाईवे है, ये ऐसे जा रहा है ये, क्योंकि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स. आप अभी कहाँ से आए? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आए? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वो तो खैर रास्ता अलग है. ओके, बट जो ट्रेडिशनल, अभी ये जब नहीं बना था तब यही दिल्ली का रास्ता था, ये जा रहा है ये वाला. और एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग हमसे पूछते हैं, यंग जनरेशन जो है, कि हम क्या करें, हम कैसे करें, हम कनेक्ट हो नहीं सकते डिपार्टमेंट से, जब भी होंगे एज इन व्हेन वो अलग होगा. तो आपके हिसाब से कोई सजेशन के शुरुआत कैसे करें, कोई भी अगर जंगल पसंद करता है बट
कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है. तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जो एक्चुअली सबको थोड़ा सा हेल्प करेंगे समझने में कि अपने लेवल पे सब लोग क्या कर सकते हैं. सबसे पहले तो ऑब्वियसली अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है ही. इसके अलावा अगर एक्टिवली डिपार्टमेंट की हेल्प करनी है तो डिपार्टमेंट की हेल्प पार्क मैनेजमेंट में करनी है. तो बहुत जगह ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो कई सारे एनजीओस काम कर रहे हैं पानी में, उसमें हेल्प कर सकते हैं लोग, एनजीओ है ना, वॉलंटियर कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. मतलब नए वाटर पॉइंट्स बनवा सकते हैं, कुछ वाटर पॉइंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक है. फिर इसके अलावा प्रोटेक्शन में भी, एंटी पोचिंग में भी, जो पूरा जीआईएस वगैरह से हम लोग हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और ये करना हो किसी ने तो व्हाट इज द राइट प्लेटफॉर्म टू, फील्ड डायरेक्टर जो होता है हर पार्क, हर टाइगर रिजर्व में एक डीडी होता है, एक एफडी होता है. मैं डीडी हूँ, मेरे से ऊपर एफडी है. एफडी इज दी द होल सोल फाइनल अथॉरिटी. तो एफडी ऑफिस में अप्लाई करें, उसमें हर जगह पोजीशंस निकलती हैं. या इवन अगर एनजीओ के माध्यम से भी करना है तो वो भी एफडी ऑफिस से कर ले, टाई अप कर ले. तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें कर सकते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फिर ये जैसे हमारे सोशल साइंटिस्ट लगे होते हैं, सोशल साइंटिस्ट का काम क्या है, इन गाँव वालों को मनाना, इनकी प्रॉब्लम समझना. ये जहाँ जा रहे हैं उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे मान लो डाबली गाँव गया यहाँ पे तिजारा, फिर वो कैसे सेटअप हुआ है, किस तरीके से उसकी दिनचर्या चल रही है, वो फॉरेस्ट से बाहर है, बट वो भी हमको देखना है. क्यों? क्योंकि ये सारे लोग कनेक्टेड हैं. अगर ये लोग खुश नहीं है तो ये क्यों जाएंगे, तो ये क्यों जाएंगे? राइट. फिर इनको मनाने के लिए हम इनकी ट्रिप कराते हैं कि देखो ये तुम्हारे साथ ही है, ये इतने खुशी से अब यहाँ रह रहे हैं, बढ़िया प्याज की खेती कर रहे हैं, तो तुम अब जाना चाहते हो उधर, तो देख लो इस तरीके से जीवन तुमको मिलेगा. ओके. तो ये सब भी काम हम करते हैं. एक्टिव मैनेजमेंट है हमारा हर चीज में, नॉट जस्ट, मतलब हमारा काम इस एरिया में कन्फाइंड नहीं है. आप समझ रहे हो, जहां पे हम उनको रिलोकेट कर रहे हैं ना, वहां भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं उसका. ट्रिप्स कराते हैं, लोगों को ले जाते हैं, दिखाते हैं कैसे क्या. हमारे जो इश्यूज हैं वो मैंने आपको शुरू में बता दिए, रिलीजियस टूरिज्म, गांव, ये रोड, बढ़ते हुए टाइगर्स की संख्या, उसके हैबिटेट को बढ़ाना. ठीक है ना, टाइगर्स तो हमने बढ़ा लिया, अब जंगल बढ़ाने की बात करनी पड़ेगी. हाँ. क्योंकि टाइगर्स बढ़ाने की बात तो सब लोग कर रहे हैं. हाँ. तो बेसिकली मतलब आज के टाइम में, क्योंकि ये जो टाइगर रिजर्व है ये नेशनल कैपिटल रीजन का अकलौता टाइगर रिजर्व है. ये जो पूरा अपना एनसीआर का रीजन है, दिस इज द ओनली कॉन्सेंट्रेटेड पैच ऑफ फॉरेस्ट इन द इंटायर एनसीआर रीजन. ठीक है, अलवर कम्स इन एनसीआर रीजन. इसलिए इसकी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. पानी का मैंने आपको बता ही दिया था. इसको बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा चैलेंजेस भी इसी में है. राइट फ्रॉम विलेजेस टू आइसोलेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, रिलीजियस टूरिज्म, ऑल दैट. तो इस सब में हमको आगे बढ़ने के लिए एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ता है. एक्टिव मैनेजमेंट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज नॉट द ओनली एजेंसी दैट कैन वर्क. अगर हम ये सोचें कि सिर्फ सरकार ही कर लेगी या फॉरेस्ट ही कर लेगा, तो ये बिल्कुल एक मिथ है. हमको लोगों को, जो आसपास के जो फ्रिंजेस में लोग रह रहे हैं या जो अदर इन्वायरमेंटली अवेयर लोग हैं, उनको भी प्रहरी बनाना पड़ेगा. वो भी हमारे साथ रहेंगे तभी हम ये काम कर सकते हैं. इसमें हमें कुछ चीज़ें करनी है, जैसे जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लोग हैं, अगर वो यहाँ पे आते हैं और ये जो फ्रिंजेस पे लोग रह रहे हैं, जो कम्युनिटीज रह रही हैं, उनको समहाउ उनकी लाइवलीहुड को अगर वो फॉरेस्ट से सस्टेनेबली लिंक कर सकें, राइट, तो यही जो लोग रह रहे हैं यही फॉरेस्ट बचाने लगे. आप समझ रहे हो मेरी बात. जैसे फॉर एग्जांपल ये इस रीजन में हमने एक पलाश की बहुत बड़ी वैली थी. तो उस वैली में हमने पलाश के फूलों से गुलाल का एक यूनिट सेटअप कर दिया. अच्छा. फूलों से गुलाल का. तो पहले जहां पे इलीगल माइनिंग होती थी, अब वहीं के लोग इलीगल माइनिंग छोड़ करके उस फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, क्योंकि वहां से वो गुलाल बनाते हैं. तो इस तरीके से और आप जो यंगर जनरेशन से अगर वो यहाँ पे आए, यहाँ पे घूमे, अगर कुछ उनके आइडियाज हैं कि किस तरह से ये जो फ्रिंजेस में लोग रह रहे हैं, अगर कोई भी फ्रिंज कम्युनिटी इकोनॉमिकली इम्पावर होती है, स्पेशली वेमेन अगर इम्पावर होती हैं और वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से लिंक्ड हैं या फॉरेस्ट के बगल में हैं, तो वो अगर कोई लीगल एक्टिविटी कर रहे थे तो उसको छोड़ देंगे और किसी को करने नहीं देंगे.
गलत काम से सही काम पे लगाना है आपको बेसिकली, तो फॉरेस्ट के प्रहरी बन जाएंगे क्योंकि हम इस मुगालते में बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ हम ही कर लेंगे. तो हमें सबकी हेल्प चाहिए, हमें एनजीओस की हेल्प चाहिए, हमें एनवायरमेंटली अवेयर वॉलंटियर्स की हेल्प चाहिए और जो गांव वाले हैं उनकी हेल्प चाहिए. सारे एफर्ट्स हमको कन्वर्ज करने हैं इस पार्क को बचाने के लिए. तो इसलिए हमें जो भी हेल्प करना चाहे हमको कॉन्टैक्ट कर सकता है, हमको नए आइडियाज दे सकता है और हम उस पर साथ मिल करके इस पार्क को एक वन ऑफ द बेस्ट आई, क्योंकि ये स्टोरी भी बहुत ही अमेजिंग है फ्रॉम 0 to 33 इन सच चैलेंजेस, जहाँ पे हर कुछ किलोमीटर बाद एक गांव है, ऐसे चैलेंजेस में भी हमने इस लेवल पे आगे करवा दिया है. तो अब आगे जाकर के इसका क्या फ्यूचर है उस पर हमें अगर जॉइंटली काम करें कुछ अच्छा स्पार्क के लिए कर सके तो दैट विल बी नाइस. आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो रीलोकेशन पे सक्सेसफुली बना है ना. पन्ना भी बना है बट पन्ना में ये चैलेंजेस नहीं है. हाँ. जैसे गांव के चैलेंजेस हैं, रोड्स के चैलेंजेस हैं, रिलीजियस टूरिज्म के चैलेंजेस हैं और इसके टेरेन में भी एक अपना चैलेंज है. टेरेन और फिर पन्ना इज एन एमपी विच इज हाईली फॉरेस्टेड स्टेट. यस, दिस इज एन एनसीआर और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे माइनिंग के इंटरेस्ट हैं लोगों के, यहाँ फेलिंग के इंटरेस्ट हैं, हर तरह के मतलब डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे हैं. आइसोलेटेड है ये पन्ना, आइसोलेटेड नहीं है. कॉरिडोर उसका पूरा कनेक्शन कनेक्शन है. इलीगल माइनिंग का इशू अभी भी है. आई थिंक जजमेंट आई थी एक पिछले सुप्रीम कोर्ट की. इलीगल माइनिंग का एक ऐसा इशू है कि उसको सिर्फ डिटरेंस से बंद नहीं किया जा सकता, कम जरूर किया जा सकता है, लेकिन आज जैसे यहाँ पे अलवर में इलीगल माइनिंग की प्रॉब्लम बहुत कम है, सिग्निफिकेंटली लेस है, लेकिन कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो जीरो है. क्योंकि इलीगल माइनिंग की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है कि जब तक वहां के जो लोग हैं उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड नहीं होगा तब तक वो क्या करेंगे, जैसे पोचेंगे, उनको कुछ सही काम पे लगा देंगे तो वो अपने गलत काम छोड़ देंगे. तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां पे हमने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उनको फॉरेस्ट से उनकी इकोनॉमिक लाइवलीहुड जोड़ दी, तो फिर अब उन्होंने इलीगल माइनिंग रोक दी. ओके, ठीक है. तो दैट इज अ परमानेंट फिक्स. हमेशा डंडा लेके फॉरेस्ट वाला हर जगह नहीं खड़ा हो सकता, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले कहा फ्रिंज कम्युनिटी की लाइवलीहुड पे और उनकी एजुकेशन पे, वहाँ के वुमेन के एजुकेशन पे, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे ध्यान दें तो बेहतर रिजल्ट आएंगे. जैसे कुछ टाइम पहले यहाँ पे सारे ही पार्क्स में जो फ्रिंज कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे गैस कनेक्शन दिए गए थे, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा फॉरेस्ट में, है ना. ऐसे ही. थैंक यू वेरी मच.